जय मसीह की। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन के बारे में। वह एक भारतीय इंजिल प्रचारक और यशु कॉल्स मंत्रालय के संस्थापक थे। उनका जन्म 1 जुलाई 1935 को भारत में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के सुरंदई में हुआ था। उन्होंने सेंट जोहस कॉलेज पलयमकुट्टई में भाग लिया और बाद में 1955 में मद्रास विश्वविद्यालय से गणित में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने गरीबी और बेरोजगारी की पीड़ा के कारण बहुत कठिन जीवन जिया। इन समस्याओं की पीड़ा को सहन करने में असमर्थ 11 फरवरी 1955 को डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन ने अपने जीवन का अंत करने का निर्णय लिया। वह अपने गांव के सबसे नज़दीकी रेलवे ट्रैक की ओर चल पड़े। अपने चाचा द्वारा यीशु मसीह को पेश करने से रोकने के बाद तेज रफ्तार ट्रेन से पहले खुद को फेंक दिया। उन्होंने दिव्य शांति और आशा की अचानक लहर का अनुभव किया। उनके दिल में बाढ़ आ गई, उनका मन रूपांतरित हो गया और वह प्रबुद्ध होकर घर लौट आए। इस घटना के बाद अलौकिक रूप से उनके साथ चीजें होने लगी। वहां अनंत सत्य के जीवन बदलने वाले पन्नों पर एक साथ घंटों बिताने के लिए एक अनछुई प्यास पैदा हुई। बाइबल उन रहस्यों की खोज करती है जो मानव जीवन में क्रांति ला सकती है। उन्होंने परमेश्वर से बात करने में घंटों बिताए और उन्हें पूरे दिल से चाहा। 1957 में वे भारतीय स्टेट बैंक के एक अधिकारी के रूप में शामिल हुए। 9 अक्टूबर 1962 को उन्होंने आधी रात तक प्रार्थना में प्रभु यीशु के चरणों में प्रार्थना की। उसने लगातार विनती की, परमेश्वर मेरी प्रार्थना अब सुनो और मुझे अपनी शक्ति प्रदान करो, वरन मुझे मार डालो। मैं एक शक्तिहीन और मूर्ख ईसाई के रूप में जीवन नहीं चाहता। अगले दिन सुबह हुई। 10 अक्टूबर 1962 को बैंक में दिन भर रहने के बाद वह रात को घर लौटा। वह परिवार की प्रार्थनाओं में शामिल हो गया। वह यीशु की धन्य दृष्टि की झलक पाने की लालसा रखता था। अगले ही पल उसके सामने एक दिव्य उपस्थिति दिखाई दी। उसे आनंद के एक परमानंद में फेंक दिया गया। प्रभु ने अपनी आंखें खोली और एक उज्जवल चेहरे के साथ उसे एक मुस्कुराहट के साथ संबोधित किया। मेरे बेटे, मेरे प्यारे, मैं मसीह हूँ, क्योंकि तुम मुझसे यत्नपूर्वक कामना कर रहे हो, मैं तुमसे स्वयं को मांगने आया हूँ, तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए। हाँ, पूरे 3 घंटे तक उन्होंने प्रभु यीशु को आमने सामने देखा, जिसने उनके जीवन को अनगिनत के लिए एक निरंतर आशीर्वाद बना दिया। मेरे बेटे, लोगों ने मेरे प्यार के बारे में सुना होगा, लेकिन उन्होंने इसे चखा नहीं, इसलिए मैं आपके दिल में अपने प्यार और करुणा को डाल देता हूँ। यह प्यार उनके टूटे दिलों को संतावना देगा और उनके रोगग्रस्त शरीर को ठीक करेगा। आप गवाह होंगे, मेरी पवित्र आत्मा की शक्ति, गौरवशाली दृष्टि और आश्वासन के शब्दों के साथ परमेश्वर ने डॉक्टर दिनाकरन को अपने सेवक के लिए दृढ़ता से आशीर्वाद दिया। इस प्रकार यीशु कॉल्स मंत्रालय एक मानव मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में आया। वह दुनिया भर के पुरुषों और महिलाओं को अपनी जाति, पंथ, नस्ल या भाषा में बेपरवाह मानते थे, अपने भाइयों और बहनों के रूप में। उसने अपने आंसुओं को अपना माना और उन्हें मसीह के प्रेम और करुणा का उपदेश दिया। उन्होंने परमेश्वर के आशीर्वाद का आह्वान किया और उनसे ऐसे चमत्कार करने की विनती की जो बहुतों के आंसू को पोंछे। एक बैंक में एक शीर्ष कार्यकारी के रूप में अपने नौकरी के अलावा उन्होंने अपने को परम उत्साह के साथ परमेश्वर के मंत्रालय को समर्पित किया। उनके उपदेश
और प्रार्थनाओं में मसीह की शक्ति प्रकट हुई। यीशु कौस मंत्रालय दूर दूर तक फैला हुआ है। आज ईश्वर की कृपा से यह एक बहुआयामी दूर दराज के मंत्रालय में विकसित हो गया है, जो 20 से 20 तरीकों से दुनिया को खुशखबरी देता है। उनकी पत्नी स्टेला उनके सभी सुख और दुख में उनके साथ खड़ी रही और लाखों को आंसू पोंछने और टूटे हुए घरों के निर्माण में मंत्रालय का हाथ बटाया। उनका बेटा पॉल 18 की उम्र से उनके साथ काम कर रहा था, जब उन्हें प्रभु का फोन आया। 10 अक्टूबर 1962 को डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन का पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेक किया गया था। तब से जब भी वह सार्वजनिक सभाओं में प्रचार करते और प्रार्थना करते, तो वह भिन्न भाषाओं की व्याख्या करने की एक दुर्बल शक्ति प्रदर्शित करते थे और ज्ञान की बात करते थे। वह लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं और उनके द्वारा भेजे गए पत्रों का जवाब देते हैं, जो अपने जीवन में शांति और आराम की तलाश करते हैं। सार्वजनिक सभाओं में प्रार्थना के समय उनके भीतर पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित वह उन लोगों के नाम पुकारता है जो भीड़ में थे और वास्तव में उनकी आध्यात्मिक, मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्थितियों का खुलासा करते हैं। ये लोग डॉस में चलते हैं और इस बात की पुष्टि करते हैं कि डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन ने उनके जीवन के बारे में जो कहा है वह सच है। कुछ सभाओं में वह भीड़ में से कुछ लोगों को बुलाता है और 400 से अधिक की भारी भीड़ से पहले और अपने अतीत का खुलासा करता है, उनके वर्तमान और भविष्य की भविष्यवाणी करता है। लोग परमेश्वर के शक्तिशाली कृत्यों से चकित थे। सैकड़ों लोग उन्हें लिखते हैं जो उन समस्याओं के समाधान की मांग करते हैं जो मानवीय समझ से परे हैं। वह पवित्र आत्मा से प्रेरित था कि वह अपने द्वारा प्राप्त सभी पत्रों को उत्तर भेजे। कुछ समस्याएं इतनी गंभीर थी कि कुछ लोगों का जीवन उस उत्तर पर निर्भर हो सकता है जो उनके माध्यम से ऊपर से आता है। कई मौकों पर उनकी प्रार्थनाओं ने भारी गिरावट को रोक दिया। उनकी प्रार्थनाओं की शक्ति ऐसी थी कि परमेश्वर तुरंत इसका उत्तर देते हैं। यीशु कौस कार्यकाल में उन लोगों की रिपोर्टों के महासागरों हैं जिन्होंने चमत्कारों की सूचना दी, जिन्होंने उनके जीवन को बदल दिया है। लोगों ने अंधा जन्म लिया, लंगड़े जो स्ट्रेचरों में सभाओं में आते थे चंगे हो गए, वे चलने लगे। जो लोग ट्यूमर और कैंसर से पीड़ित थे वे ठीक हो गए। 2 मार्च 1972 को डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन ने FEBA रेडियो पर अपना पहला संदेश ईश्वर से लोगों तक पहुंचाया। 1973 में वह श्रीलंका में उपदेश देने के लिए देश से बाहर चले गए। जहां भी डॉक्टर दिनाकरन गए, कई हजारों खेतों और सभागार में इकट्ठे हुए। 1973 में उन्होंने लिखित शब्द के माध्यम से लोगों के जीवन को छूना शुरू कर दिया। 1973 में उन्होंने अपनी पहली जीजस कॉल्स पत्रिका जारी की। लिखित शब्द के माध्यम से लोगों के जीवन में चमत्कार होने लगे। पत्रिकाओं के अलावा डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन ने परमेश्वर के शक्तिशाली संदेशों को ले जाने वाली कई किताबें लिखी हैं। द गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट नाम की किताब जो उन्होंने हाल में ही लिखी है बेस्ट सेलर बन गई है। 26 सितंबर 1977 को प्रभु यीशु उसके सामने उपस्थित हुए और उसे सुसमाचार प्रचार करने के लिए अपने जैसे लोगों को प्रशिक्षित करने की आज्ञा दी। इस आदेश का पालन करने के लिए उन्होंने जुलाई 1980 में चेन्नई में इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मिनिस्ट्री शुरू की। भारत और विदेशों के सभी हिस्सों के पुरुषों और महिलाओं, अलग अलग संप्रदायों से आकर
व्यवहारिक इविजलिज्म में विशेष परीक्षण से गुजरते हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रभु अपनी पवित्र आत्मा, अलौकिक शक्ति और अनुग्रह के साथ जोन से प्रेम के सुख समाचारों और वृद्धि के पुनभागों के प्रति दयालुता के साथ इंगित करता है। सचमुच ये इंजिलवाद अब अपने चर्चों के साथ साथ आध्यात्मिक दुनिया में भी सितारों की तरह चमकते हैं। 1980 के दशक में उन्होंने मलेशिया में वीडियो कैसेट में अपने शक्तिशाली संदेशों को रिकॉर्ड करके वीडियो मंत्रालय की शुरुआत की और आज इन हजारों कैसेटों को दुनिया भर में लोगों को आराम, उपचार और लोगों तक पहुंचाने के शब्द वितरित किए गए हैं। लोगों ने इन कैसेटों के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह से बीमारियों और आराम से चिकित्सा का अनुभव किया है। 12 अगस्त 1983 को पवित्र आत्मा ने उन्हें उन लोगों के लिए कुछ करने के लिए निर्देशित किया जिन्हें दिन के किसी भी समय प्रार्थना की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्होंने चेन्नई, तमिलनाडु, भारत में एक 24 घंटे की प्रार्थना टावर की स्थापना की। आज प्रेयर टावर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एक पूर्ण प्रार्थना केंद्र है। विशेष रूप से चुने गए और प्रशिक्षित प्रार्थना योद्धाओं ने मसीह की अनुकंपा के साथ संपन्न किया। इस तरह के कॉल में 24 घंटे भाग लेते हैं। वे दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भी स्थापित हैं। 25 जुलाई 1985 को सुबह 4 बजे प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन के समक्ष उपस्थित हुए और उन युवाओं के लिए योजना के बारे में बताया जो यीशु कॉल्स मंत्रालय में भागीदार के रूप में शामिल होना चाहते हैं। इस तरह से यंग पार्टनर्स प्लान अस्तित्व में आया। 10 अक्टूबर 1993 को उन्होंने बेथेस्डा प्रार्थना केंद्र का शुभारंभ किया जो हजारों लोगों के लिए आस्था निर्माण का केंद्र बन गया। जो वहां बने क्रॉस के 7 स्टेशनों पर एक नज़र डालने के लिए चाहते हैं। इन स्टेशनों को देखने के साथ ही लोगों के दिलों में और उन्हें इस महान प्रेमपूर्ण बलिदान की याद दिलाई जाती है जो मसीह ने उनके लिए किया है और आंसुओं में बह गए हैं। जब वह मीडिया के साथ सक्रिय हो गए तो डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन ने एक बड़ा मोड़ लिया। यीशु कॉल्स मंत्रालय ने विभिन्न निजी चैनलों में अपने टीवी कार्यक्रमों का निर्माण शुरू किया। 4 नवंबर 1986 को उन्होंने भारत के कोयम्बटूर, तमिलनाडु में 2800 छात्रों की संख्या के साथ एक आवासीय इंजीनियरिंग कॉलेज करुणय प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया। 21 मई 1986 को एक महान त्रासदी ने इस आध्यात्मिक विशालकाय को घायल कर दिया। यह उनकी आस्था का अंतिम परीक्षण था। उन्होंने अपनी इकलौती बेटी एंजल दिनाकरन को कोयम्बटूर के करुणा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रास्ते में एक कार दुर्घटना में खो दिया। वह चकनाचूर हो गया और छोड़ दिया गया। आज भी जब वह उसे याद करते हैं तो वह आंसुओं से भर जाते हैं। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह बड़े सदमे से उभर गए और अपने मंत्रालय को उन लाखों लोगों के आंसू पोंछने में लगा जिन्हें मसीह की ज़रूरत है। वह परमेश्वर के स्वयं के दिल के बाद एक व्यक्ति था जिसने अपनी प्रार्थनाओं से दुनिया भर के लाखों टूटे हुए दिलों को चंगा किया। उनकी प्रार्थनाएं इतनी शक्तिशाली थी क्योंकि उनका अभिषेक बहुत बढ़िया था। अंदर दया की भावना भी थी जो उन्हें पीड़ित मानवता के लिए आंसुओं के साथ
प्रार्थना करने के लिए ले गई। परमेश्वर का यह महान व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता और विश्वास योग्यता के कारण से गौरव और सम्मान के शिखर तक बढ़ा। 20 फरवरी 2008 को उनके पास सो गया। उनकी मृत्यु में दुनिया ने ना केवल एक प्रसिद्ध इंजिलवादी को खो दिया है, बल्कि एक विनम्र इंसान को भी, जिसने इस धरती पर परमेश्वर की राज्य की उन्नति के लिए जन किया, जबकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसे अपने साथ ले जाने के लिए प्रसन्न थे। इस दुनिया में उसका अंत एक युग के अंत के अलावा और कुछ नहीं। उन्हें भारत का प्रेरित भी कहा जाता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ इस वीडियो के द्वारा आप सब आशीषित हुए होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।